जय श्री राम। संत कहते हैं भगवान श्री हरि शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म चिदाकाश हो गए, माने चेतन आकाश जिनमें जड़ता लेश मात्र नहीं है, चेतनता ही चेतनता है। ऐसा चेतन आकाश यानी प्रकाशक आकाश, ज्ञान स्वरूप आकाश। आकाश माने जगह नहीं, प्रकाशक। तो इस तरह सर्वप्रथम भगवान का नाम चिदाकाश होता है। फिर जब इच्छा करते हैं एको हम बहु प्रजाय, तब उसका नाम चिदाकाश होता है। चिदाकाश माने ख्याल संकल्प। फिर जब चिदाकाश विस्तार को प्राप्त होता है तो भूताकाश बनता है। मैंने दुनिया स्थूल जगत, इस प्रकार से तीन आकाश हो गए, भूताकाश चिदाकाश और चित्ताकाश। जिसमें संसार में स्थूल जगत रहता है उसका नाम है भूताकाश। ये भूताकाश चित्ताकाश माने ख्याल संकल्प में रहता है, और ये संकल्प ख्याल माने चित्ताकाश। चिदाकाश माने प्रकाशक ज्ञान स्वरूप में स्थित रहता है, और चिदाकाश इन सभी का आधार है, अधिष्ठान है। चिदाकाश स्वयं में स्थित है। इस तरह से इसमें संसार रहता है उसका नाम भूताकाश। जिसमें भूताकाश रहता है उसका नाम चिताकाश, और जिसमें चिताकाश रहता है उसका नाम चिदाकाश। तथा चिदाकाश सबसे पहली चीज़ है, वो अपने आप में रहती है। परमात्मा में सबसे पहले आकाश का प्रकटन हुआ, तो फिर जो सबसे पहले हलचल हुई उसका नाम हुआ वायु। फिर जब वायु में बैठकर भगवान ने हलचल की तो भाग दौड़ की, तो भगवान की इस भाग दौड़ से गर्मी पैदा हुई, ऊर्जा हुई और अग्नि प्रकट हुई। जब भगवान से अग्नि प्रकट हुई तो उनको पसीना आ गया और इससे जल प्रकट हुआ। फिर जब ये पसीना सूख गया, जम गया तो मैल बन गया, तो इससे पृथ्वी प्रकट हुई। और उसको आश्चर्य होगा, आपको आश्चर्य होगा कि ये सभी चीज़ें रोज़ हमसे प्रकट होती हैं। जब हम सोकर जागते हैं तो सबसे पहले हम जगह तलाशते हैं कि हम कहाँ हैं, उसका नाम आकाश है। फिर हम सोचते हैं बाथरूम वगैरह जाएं, हिलें जुलें, हलचल करें, उसका नाम वायु है। जब हिलते जुलते हुए हमारे अंदर ऊर्जा पैदा हो गई, हमें गर्मी महसूस हुई, उसका नाम अग्नि। और फिर अत्यधिक दौड़ धूप के बाद पसीना आ गया, वे ये जल है। फिर जब हम थक गए, पसीना सूख गया, आलस्य आ गया, तो प्रमाद आ गया, तमोगुण छा गया, तो पृथ्वी प्रकट हुई। इस प्रकार ये पांचों भूत रोज हमसे प्रकट होते हैं, क्योंकि हम और आप सभी सच्चिदानंद ब्रह्म ही तो हैं, कोई दूसरे थोड़े ही हैं। अब इन पांच भूतों के धर्म सुनिए। माया का, इच्छा का केवल एक ही धर्म है कि विचार करने पर कुछ ना रहना, माया। पर यदि विचार करके देखा जाए तो कुछ नहीं है। मा माने नहीं, या माने जो मतलब, जो कि विचार करने पर कुछ नहीं है उसका नाम माया है। ये तो इच्छा माया क्या है, कुछ भी नहीं। यदि देखा जाए तो चिदाकाश क्या है, ख्याल मात्र। तो माया के दो धर्म हैं, पहला इसमें अस्तित्व तो परमात्मा का है, और दूसरा कुछ विचार करने पर कुछ ना होना, ये शून्यता माया की है। इस प्रकार माया के दो धर्म हैं। इसी धर्म से आकाश के अंदर तीन धर्म हैं। इसमें अस्तित्व परमात्मा का है, शून्यता
माया की है और शब्द इसका अपना धर्म है। इस तरह से इसमें तीन धर्म हैं, सत्य परमात्मा का है, अवास्तविकता माया की और शब्द अपना। फिर वायु प्रकृति, उसमें चार धर्म हुए, पहले तीन धर्म वही हैं, चौथा धर्म उसका अपना हुआ स्पर्श अर्थात अस्तित्व परमात्मा का, अवस्तु रूपता शून्यता माया की, शब्द आकाश का और स्पर्श अपना। इसके बाद अग्नि प्रकट हुई तो उसमें पांच धर्म आ गए, अस्तित्व परमात्मा का, अवस्तु रूपता माया की, शब्द आकाश का, स्पर्श वायु का और तेज अपना। फिर जब इससे जल प्रकट हुआ तो उसमें छह धर्म आ गए,